तकरीबन अभी मेरे पास था आधा घंटा, मैं आप लोगों को बता रहा था। तो मैं इधर जो है पार्किंग में बैठ गया हूँ और मैंने जो है फैमिली से मैं बात कर रहा हूँ। वाजिद, हाउ आर यू? तो मैंने बोला 10-15 मिनट अपनी फैमिली से बात कर लूँ, उसके बाद कपड़े चेंज करता हूँ और फिर जो है आप लोगों से ऊपर रेस्टोरेंट में मुलाकात होती है। काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो हैं कंस्ट्रक्शन वाली वीडियोस देखने के बाद यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में यही लिख रहे थे कि क्या क्या माजिद भाई, आप लोग हैं जो है रेस्टोरेंट फील्ड जो है छोड़ दिए। तो अभी जो है तकरीबन सुबह के 8 बजने वाले हैं और मैं जॉब पे जा रहा हूँ। हालांकि मैं हर वीडियो के अंदर यही बताता हूँ कि आज मेरा डे ऑफ है और मैं जो है कंस्ट्रक्शन का काम करने आया हूँ, लेकिन फिर भी बेतहाशा लोग जो है यही कमेंट कर रहे थे। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तकरीबन अभी 500 मीटर पे ही मेट्रो स्टेशन बना हुआ है अलामेदा, और वो मेट्रो स्टेशन से मेरे को मेट्रो लेनी है। मैं काम पे जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ और रेस्टोरेंट फील्ड में ही मैं शुरू से काम कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में मैंने हमेशा बताया है कि मेरा दोस्त काम करता है और छुट्टी वाले दिन अगर उनको ज़रूरत हो लेबर की तो मैं चला जाता हूँ काम करने के लिए। तो आज का जो व्लॉग है उसमें मैं अपना आज का दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि अभी सुबह 8 बज रहे और मैं काम पर जा रहा हूँ और शाम 8 बजे तक क्या चलेगा लाइफ के अंदर। तो फ़िलहाल जो है अभी काम पे जाना है, सुबह रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, मतलब ओपनिंग से मुराद मेरी ओपनिंग है, नया रेस्टोरेंट नहीं खुल रहा, मैंने ओपन करना है रेस्टोरेंट। और मेरी शिफ्ट है आज सुबह 9 बजे से शाम 4:30 तक, 4:30 तक, 4:30 PM, और उसमें तकरीबन मेरा एक ब्रेक है। सिंगल शिफ्ट है। आप लोगों को बताया था जो लोग मुझे रेगुलर देख रहे हैं कि डबल शिफ्ट जो होती है ना उसको बोलते हैं प्रतिदो, जिसके अंदर आपकी ज़िंदगी का पूरा दिन जो है गुजर जाता है। और उसके अलावा एक डायरेक्ट शिफ्ट होती है जो शॉर्ट ब्रेक्स के साथ होती है। और अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत सुकून आया हुआ है कि हमें मिली हुई है सिंगल शिफ्ट। लास्ट वीक मतलब कल जो संडे एंड हुआ है तो नाइट शिफ्ट थी, और इस वीक जो है वो डे शिफ्ट है। अभी चलते हैं काम पे और फिर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो भी व्लॉग के अंदर हुई चीज़ें मौका मिला दिखाऊंगा। असल में कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर तो मैं परमानेंट जॉब नहीं करता और दूसरा कैमराज नहीं लगे होते, तो जब भी मौका मिलता है आप लोगों को जो है मैं कुछ ना कुछ दिखा देता हूँ। लेकिन रेस्टोरेंट फील्ड के अंदर काम इतना होता है, स्पीड से काम करना होता है और दूसरा कैमरे लगे होते हैं। तो मैंने रेस्टोरेंट फील्ड में भी जो है व्लॉग्स जो है अपलोड किए हैं, लेकिन कभी कभार इतना टाइम नहीं मिलता काम की वजह से और कैमराज की वजह से कि हर चीज़ आप लोगों को दिखाई जाए। जो है यह है अलामेदा पार्क। इस टाइम सुबह सुबह जो है लोग बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। धूप बड़ी खूबसूरत निकली हुई है और मुझे पता नहीं था, मैंने राहिल भाई आप लोगों के साथ मिलवाया था, मैंने राहिल भाई को बोला था हम लोग इस टाइम सुबह 8 बजे जिम चलेंगे। तो कल ही मुझे पता चला कि भाई स्केजुअल आया, तो मुझे पता चला मॉर्निंग है। तो मैंने राहिल भाई को बोला कि यार मैं आऊँगा तकरीबन 4:30 बजे और उसके बाद जो है शाम को हम लोग जिम चलेंगे। तो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। यहाँ पे देखो भाई, मैं हूँ अलामेदा पे। यहाँ से अगर रेड लाइन चल रही है ना तो एयरपोर्ट तो जा रही है और दूसरी तरफ जो है साउथ सबस्तियाँ जा रही है। तो मेरे को जो है साउथ सबस्तियाँ वाली लेनी है, एरो इस तरफ है।
तो मैं जो हूँ इधर जाऊँगा। सुबह सुबह देखो लोग जो है कार्ड बनवाने के लिए लगे हुए हैं, मेट्रो का कार्ड। लेकिन अभी तुम्हारा भाई जा रहा है साउथ सबस्तियों वाली लाइन में। नीचे चलते हैं और देखते हैं कितनी देर में जो है मेट्रो आती है भाई। मैं आप लोग को दिखाऊँ, 8:04 हो रहे हैं। पोर्ट टाउन के लिए जो विज़िटर आए हुए थे GMJ के, अभी मेरे ख्याल से चले गए हैं। सिस्टम क्लियर है, अच्छी बात है, चले गए। ये मेट्रो का मैप, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं और बैठते हैं कुर्सी के ऊपर। तकरीबन अभी जो है आपका भाई मेट्रो का सफ़र ख़त्म कर चुका है और अब यहाँ से जो है अभी भी तकरीबन 45 मिनट्स हैं। अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तो मैं यहाँ से वॉक कर लेता हूँ, 10 मिनट की वॉक है। बट अभी 45 मिनट्स हैं तो यहाँ से बाहर निकलते हैं बस स्टॉप पे और वहाँ से जो है बस लेंगे। मेट्रो से बाहर निकल चुका हूँ मेट्रो स्टेशन से और बिल्कुल मेरे सामने जो है वो बस का स्टॉप बना हुआ है। आप लोगों को मैं दिखाऊं, वो सामने बिल्कुल स्ट्रेट अगर चलते हुए जाऊंगा तो बस का स्टॉप बना हुआ है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग है और उसने फौरन जो है ये आंटी को देख के गाड़ी रोक ली। आपका भाई भी पास हो गया, पीछे रेड सिग्नल था बट दूर दूर तक गाड़ियों का निशान नहीं था तो मैं भी वहाँ से पास हो गया। अभी यहाँ पे जो है ना एक स्क्रीन लगी हुई है, उस पर पता चल जाएगा कि बस जो है कितनी देर में आने वाली है। सबसे पहले मैं आते साथ चेक करता हूँ हमेशा। तो ऊपर जो बस है वो 1 मिनट में आएगी और नीचे वाली जो है 7 मिनट में आएगी। अभी जो है बस की जर्नी भी जो है ख़त्म हो गई है तो फाइनली अब जो है 1-2 मिनट लगेंगे और मैं जो हूँ रेस्टोरेंट पे पहुँच जाऊँगा। तकरीबन अभी भी 8:30 हो रहे हैं और मेरे पास 30 मिनट हैं। तकरीबन अभी मेरे पास था आधा घंटा, मैं आप लोगों को बता रहा था। तो मैं इधर जो है पार्किंग में बैठ गया हूँ और मैंने जो है फैमिली से मैं बात कर रहा हूँ। वाजिद, हाउ आर यू? तो मैंने बोला 10-15 मिनट अपनी फैमिली से बात कर लूँ, उसके बाद कपड़े चेंज करता हूँ और फिर जो है आप लोगों से ऊपर रेस्टोरेंट में मुलाकात होती है। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ रेस्टोरेंट और अभी जो है फ़िलहाल कोई भी नहीं है रेस्टोरेंट में, सिर्फ एक लड़का है जो कि यहाँ पे सेकंड रिस्पॉन्सिबल है आफ्टर मैनेजर। और बाकी जो है अभी आपका भाई आ गया रेस्टोरेंट में तो अभी लाइट्स वगैरह ऑन होंगी, स्टॉक वगैरह आया हुआ है उसको मैनेज करते हैं। काम पे आते ही सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है, ये 3 चीज़ें जो है प्रिपेयर करनी है। मैंने ले लिया बैग और मैं आ गया हूँ अरमाज़ई में। अरमाज़ई बोलते हैं स्टोर रूम जहाँ पर जो है चीज़ें रखी जाती हैं। अभी यहाँ से मैंने 3 चीज़ें पिक करनी है, नीचे जाके इनको प्रिपेयर करना है और इसके अलावा जो है बाकी चीज़ें रेडी करनी है। अभी जो है ये सामान वगैरह मैंने जो है बाहर निकाल के रखा है। फ्रांगो है, स्पिनाफ्रिस है, बेकन है, प्रेजुंतु है, फुकाची है। अभी इन सबको मैं बैग में डालने लगा हूँ और इनको लेके जाता हूँ नीचे। फिर जो जो चीज़ की प्रिपरेशन करनी है वो प्रिपरेशन करता हूँ। टाइम शॉर्ट है, मुकाबला सख्त है। तो अभी जो है प्रिपरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और स्टॉक आया आइसक्रीम का।
अभी मैं ये रखने जा रहा हूँ अरमजई में। आइसक्रीम का स्टॉक रख दिया मैंने नीचे इधर अरमजई में, और तकरीबन जो है 10:15 हो चुके हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग प्रिपरेशन रेडी है। टोमेटो चेरी नीचे मेरे पास पड़ी हुई थी जो कि मैंने अभी पास्ते के लिए बनानी है फोरनों में, तो मैंने यहाँ पे और टोमेटो चेरी ले ली है ताकि जो है उसको कट करके रख दूँ, अगर ज़्यादा ज़रूरत होगी, काम बिजी होगा तो वो इस्तेमाल हो जाएगी। अभी वापसी चलते हैं नीचे क्योंकि 11 बजे मेरे पास ऑर्डर आया और मैं अकेला ही हूँ। तकरीबन 32 पिज़्ज़ास हैं, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे डेली, उनका एक दिन पिज़्ज़ा होता है, एक दिन पास्ता होता है और एक दिन नगेट्स होते हैं। वापसी आपका भाई आ चुका है एलिवेटर के अंदर, और इस ब्रांच की जो अरमजई है जो स्टोर रूम है वो बेसमेंट में, तो नीचे ऊपर चक्कर लगते रहते हैं। तकरीबन 11 बजने में सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट रहते हैं। एवरीथिंग प्रिपरेशन मैंने नीचे कंप्लीट कर दी है, अब जो है मुझे लगाने हैं 32 पिज़्ज़ास, और नीचे स्टॉक के अंदर मैं अभी वापसी एक बार चेकिंग कर रहा था तो मुझे पास्ता से हमारे पास 3 किस्म के पास्ता हैं, तो पास्ता स्पेगेटी थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने जो है तकरीबन ये 4 बॉक्स 8 पास्ते उठा लिए, और चीज़ क्योंकि 32 पिज़्ज़ास हैं और हमने सर्विस भी देनी है लंच की, तो तकरीबन जो है मैंने 7.5 kg चीज़ भी उठा ली। तो काशी भाई आ चुके हैं काम करने के लिए, अभी इस टाइम जो है चीज़ें वगैरह जो हैं सारी रेडी हो चुकी हैं, और ये हमारा जो है पुर्तगीज़ भाई है, भाई इन पाकिस्तान अमीगो भाई, भाई बांग्लादेश बंधु भाई, पाकिस्तान भाई, भाई ये पुर्तगीज़ लड़का है, इसको मैं बोलता हूँ यू लुक लाइक अ कोरियन बॉय। अभी ये भी आ चुका है, तकरीबन जो है 11:15 हो चुके हैं और अभी थोड़ी देर में जो है काम स्टार्ट होगा। काशी भाई आज गुस्से में नज़र आ रहे हो, गुस्से में काशी भाई आज गुस्से में, बोले गर्म पानी पिला दिया तुमने। तकरीबन जो है 12 बज चुके हैं और जो ऑर्डर था बच्चों का वो क्लियर हो चुका है। अभी जो है मेरा 30 मिनट का पॉज था और मैंने जो है अपने लिए पिज़्ज़ा बनाया, चीज़ मैं खाता नहीं हूँ, जिसमें फ्रांगो है और अजैतून है और अंडा है बस, और साथ लेमन जूस है। तो अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, 2 लड़के जो हैं और भी नकाश आया था और एक और लड़का आ गया जो बिल्कुल न्यू है अभी लड़का और सीख रहा है वो, तो अभी 4 घंटे मेरा और काम है, अब जो है सर्विस स्टार्ट होगी। रेस्टोरेंट देखें, चीज़ें वगैरह रेडी होना शुरू हो गई हैं, अभी सर्विस स्टार्ट होगी, सर्विस स्टार्ट होने के बाद जो है फिर 4 घंटे काम है फिर कर देंगे। ये मेरा दोस्त है फ्लावियो, मेरे साथ काम करता था दूसरी ब्रांच में, अभी यहाँ आया और रोज़ाना मेरी वीडियो देखता है, मेरे को बताता है माजिद आज तू इधर कंस्ट्रक्शन में गया हुआ था, वहाँ गया हुआ था, फलाने में गया हुआ था, तो ब्राज़ीलियन। तकरीबन दोपहर के बज गए हैं 3 और हमारे पास आ गया है स्टॉक, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा काम है तकरीबन 4:30 तक, तो अभी फटाफट से मेरे को स्टॉक रखने, स्टॉक बहुत ज़्यादा आया है जिसके अंदर मासे हैं और चिकन है, डिफरेंट आइटम्स हैं, तो अभी मैं स्टॉक एडजस्ट कर लूँ, उसके बाद मैंने नीचे जाना है क्योंकि बाकी दोनों लड़कों का ब्रेक है और वो चले जाएंगे घर और फिर वो 7 बजे आएंगे, लेकिन आगे 1.5 घंटा मेरा काम है और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी फटाफट से देखें, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है, ये मैंने एडजस्ट कर दिया, स्टॉक जो है वो मैं एडजस्ट कर दूँ ताकि मुझे पता हो कि हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है और हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है काम के लिए। 4:30 हो रहे हैं और काम जो है ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है ये चेंजिंग रूम है, ये मेरा लॉकर है, मेरे कपड़े शपड़े पड़े हुए हैं इसमें, तो शर्ट अभी मैंने चेंज कर लिया, ट्राउज़र चेंज करता हूँ। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा बार्बर शॉप पे और वहाँ पे पहुँच के ही फिर आप लोग आगे देखेंगे क्या सीन है। अगर रश नहीं हुआ तो बाल कटवाऊँगा और दाढ़ी सेट करवाऊँगा, अगर रश हुआ तो फिर आप लोगों को दिखाता हूँ क्या करूँगा। 5:06 हो रहे हैं और मेट्रो की जो जर्नी है वो हो गई है ख़त्म। आपका भाई अभी मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला है और सामने जो है यहाँ पे ऊषा बना हुआ है, ऊषा एक मिनी मार्केट है जिस तरह पिंगा दोस्त, कॉन्टिनेंट, लिडिल ये सब हैं। तो मैं अभी ऊषा जाके वहाँ से जो है फ्रूट में बनाना ले लेता हूँ या एप्पल ले लेता हूँ, तो वो खा लूँगा और फिर जो है जाता हूँ बार्बर शॉप पे। अभी जो है मैंने 3 बनाना है, ये 3 बनाना लिया है और यहाँ से जो है अभी मैं निकल रहा हूँ ऊषा से, तो मैं आप लोगों को बताऊँ ये बनाना है कितने का। मैं हमेशा वेट करता हूँ वेट मशीन पे और अक्सर औकात 3 लेता हूँ वरना कभी 2, जब शेक वगैरह बनाना होता है फिर 2 ले लेता हूँ, वरना अगर खाने होते हैं तो 3।
तो 69 सेंट तकरीबन केजी लगा हुआ था, 1 यूरो और 9 सेंट का, तो 69 सेंट के ये तीन आए। अभी ये मैं चलते चलते ही खा लूँगा, और जब तक जो है फिर जहाँ से मैं बाल कटवाता हूँ नाई की शॉप से वो आ जाएगी। अभी भाई फाइनली तुम्हारा भाई आ गया बार्बर शॉप पे, और बार्बर साहब गए काजा दी भाई। तो अभी इधर लगेगा तकरीबन आधा घंटा, आई थिंक 6:05 होने वाले हैं, और सुबह तकरीबन 8 बजे से आप लोगों को जर्नी में दिखा रहा हूँ। अभी जो है इसके बाद बाल कटवाने के बाद तुम्हारा भाई करेगा कॉल राहिल भाई को, घर से जाके शावर लेंगे, राहिल भाई को कॉल करेंगे और फिर बनाएंगे प्रोग्राम जिम का। तो अभी चल रहा है ब्लॉग, हमारे बार्बर साहब आ गए, वो भी वहाँ से ब्लॉग वहाँ से भी ब्लॉग चल रहा है। ये हमारे बहुत अजीज़ भाई हैं, इनके अखलाक की वजह से हम लोग जो है यहाँ पे पहुँच जाते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं। अभी कटिंग हो चुकी है और मैं बाल वगैरह कटवाने के बाद अभी निकला हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, 7 बज चुके हैं, तो अभी जो है घर जा रहा हूँ यहाँ से। देखता हूँ या तो शॉवर पहले लूँगा क्योंकि अभी जाना है जिम, और या फिर बाद में लूँगा, कोशिश करता हूँ अगर टाइम है तो पहले लेने का, वरना राहिल भाई को फ़ोन करता हूँ, वो जिम आ जाएंगे और वहीं से जो है फिर एक्सरसाइज के बाद जो है शावर वगैरह ले लेंगे। तो अभी जो है तकरीबन 8 बज चुके हैं, और राहिल भाई को जो है वो मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला राहिल भाई जिम के पास ही आ जाओ, तो मैं आ रहा हूँ। मैं भी घर गया हूँ, शावर वगैरह लिया और कपड़े शपड़े चेंज किए हैं, अब जा रहा हूँ जिम। तो आगे राहिल भाई से मुलाकात होती है, आप लोगों को भी मुलाकात कराता हूँ। शाम के 8 बज रहे हैं और मौसम कुछ है इस तरह का, कुछ दोस्त बोल लेते कि रात जो हो जाती है तो रोशनी कैसे रहती है, तो भाई यहाँ पे कुछ इसी तरह का हिसाब किताब है। तकरीबन जो है 9:30 10 बजे तक यहाँ पे ना अंधेरा नहीं छाता। फाइनली हमारे राहिल भाई आ चुके हैं, मसरूफ़ रहते हुए राहिल भाई पहुँच चुके हैं सामने जिम में, और अभी जो है हम लोग अंदर जाएंगे जिम के। राहिल भाई अस्सलाम वालेकुम। राहिल भाई हमारे जो है जिम ट्रेनर बने हुए आजकल, फिटनेस 24। भाई जिम चल रहा है राहिल भाई के साथ, चेस्ट लगाया, उसके बाद ट्राइसेप लग रहा है। राहिल भाई ये एक्सरसाइज करा रहे हैं फुल ज़बरदस्त, और अभी इस टाइम जो है फुल टाइम, मत पूछे उस्ताद जो होते हैं ना जिम के टाइट कर देते हैं। तो हर सेट के बाद जो है मेरे को बोल रहे हैं बॉडी बूतर ऐसे नहीं बनती। तो अभी जो एक्सरसाइज चल रही है, चेस्ट हमने कंप्लीट लगाया, उसके बाद जो है ऐसी ऐसी एक्सरसाइजें थी जो मैंने कभी भी नहीं की थी। तो बताता चलूँ, राहिल भाई जो है दुबई में बॉडी बिल्डर थे, और यहाँ पे उनकी बनिस्बत कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे अभी हम लोग राहिल भाई ये कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी हम ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं, और एक्सरसाइज ख़त्म होती है फिर उसके बाद आप लोगों से मुलाकात होती है जिम में। जो है अभी इस टाइम इस तरह का माहौल है, पहले रास्ता थोड़ी देर पहले। फाइनली मैं और राहिल भाई अभी निकल चुके हैं जिम से बाहर, और तकरीबन पूरे 14 आवर्स हो गए हैं, क्योंकि रात के 10 बज रहे हैं और सुबह 8 बजे से व्लॉग चल रहा था, उससे भी पहले का आई थिंक मेरे ख्याल से 7:30 से। तो तकरीबन 14-15 घंटे की जर्नी जो है आज की वो मैंने दिखाई आप लोगों को, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, और उन दोस्तों की कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी जो काफ़ी ज़्यादा नीचे कमेंट में लिख रहे थे चीज़ों के बारे में। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। राहिल भाई हमारे साथ हैं, चमक रहे हैं, जांच रहे हैं, और कुछ ना कुछ इल्म दे रहे हैं हमें एक्सरसाइज का। आप लोगों से बस यही गुजारिश है, अगर आप लोगों ने अभी तक फैमिली ज्वाइन नहीं की माजी बैग पकड़ फैमिली ज्वाइन कर ले, आने वाले डेली व्लॉग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।